Hey guys, I'm Seema. Welcome back to my YouTube channel, Cook to Live with Seema. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन दम बिरयानी हैदराबादी स्टाइल में. चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं. ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स. बड़े दो प्याज को हमने बारीक से चॉप कर लिया है. मेथी की भाजी को चॉप कर लिया है. लौंग, चकला और इलायची लिया है. दो लेमन जूस को, बड़े से लेमन जूस को, दो बड़े लेमन को जूस बना लिया है. पुदीना और कोरिएंडर को चॉप कर लिया है. चार बड़े टमाटर लिए हैं. टेस्ट के हिसाब से आप चिल्ली पाउडर ले लें, मिर्च पाउडर. मैंने 2.5 स्पून लिया है और 1 स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी लिया है. हम चिकन को मैरिनेट करेंगे. हम लेंगे 1 kg चिकन. हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट. हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट. मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच, ये देखिए, एक स्पून से. और हम डालेंगे इसमें चिल्ली पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से और टर्मरिक पाउडर. मैंने चिल्ली पाउडर 2.5 स्पून लिया है और टर्मरिक पाउडर 1 स्पून. अच्छे से मिक्स देकर इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए, या हो सके तो ओवरनाइट या 1 आवर के लिए एटलीस्ट मैरिनेट करके फिर हम इसको पकाएंगे. ये पैन मैंने चढ़ा दिया है और मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें. ये देखिए, मैंने 4-5 बड़े चम्मच जितना ऑयल ले लिया है. हम चावल को वॉश कर सोक कर लेंगे हाफ एन आवर के लिए. हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें से थोड़े बचा लेंगे. और ये देखिए, इतने सारे हमने निकाल लिए हैं, इतने सारे हमने रख दिए हैं. ये हम बघार में डालेंगे. ये देखिए, हम ये बघार में डालेंगे और इसके साथ हम डालेंगे प्याज 2 बड़े चॉप किए हुए. जब तक हमारी प्याज ब्राउन होती है, टमाटर का प्यूरी कर लेंगे. 4 टमाटर काट कर मिक्सर जार में प्यूरी कर लेंगे. ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है. हम इस प्याज को अलग से निकाल लेंगे. हमारा बैरिस्टा ये तैयार हो चुका है. मैंने स्टोव बंद कर दिया है. हम इसको निकाल लेंगे. इस तरीके से हम निकाल लेंगे प्याज को और रख लेंगे. ये देखिए, यहाँ पर हमारा टमाटो का प्यूरी रेडी है. 4 टमाटर का प्यूरी. हम लेमन में सैफरन डालकर सोक करेंगे. ये देखिए, सैफरन डाल देंगे. सोक करेंगे हम इसको जब तक के हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट होता है. हम इसको भी अच्छे से सोक कर लेंगे. ये विजल में हमने पानी चढ़ा दिया है. हम इसमें डालेंगे शाजीरा. ये देखिए, 1 स्पून शाजीरा. और हम डालेंगे इसमें काली मिर्च. ये देखिए, काली मिर्च. और हम इसमें डालेंगे लौंग, चकला और इलायची. ये भी हम इसमें डाल देंगे. अब हम इसको बॉयल आने के लिए छोड़ेंगे. देखिए, हमने इसमें जो प्याज तल लिया था वही तेल लेंगे. हम इसमें जो चिकन मैरिनेट कर दिया था वो डाल देंगे. हम इसमें चॉप की हुई मेथी की भाजी डालेंगे. टमाटर का प्यूरी जो हमने पीस लिया था वो डाल देंगे. हम इस पानी में सॉल्ट टू टेस्ट डाल देंगे. चावल के हिसाब से आप सॉल्ट डाल दें. और भी थोड़ा हमें मसाला को सूखने देना है. बहुत सारा मसाला है इसमें. और थोड़ा हम इसको ग्रेवी को थिक करेंगे और चिकन भी अच्छे से पकाएंगे. थोड़ा पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है. हम चावल जो सोख दिया था वो हम इसमें डाल देंगे. ये देखिए, हमारा ग्रेवी अच्छे से थिक हो गया है, बहुत थिक. अभी हम स्टोव बंद करेंगे. तो बंद कर देंगे हम ग्रेवी का. हम ये बिरयानी का पत्ता भी इसमें डालेंगे. हमारा चावल पक चुका है. हम इसको स्ट्रेन कर देंगे. ये देखिए, हमने स्ट्रेनर में चावल को स्ट्रेन कर दिया है. हम एक विजल लेंगे. सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें ग्रेवी डालेंगे. हम लेयरिंग करेंगे अभी. ये देखिए, हमारा ग्रेवी यहाँ पर है.
हम थोड़ा सा ग्रेवी इसमें डालेंगे। और हम डालेंगे इसमें थोड़े से चावल ऐड करेंगे लेयरिंग के लिए। थोड़ा मिक्स कर देंगे ये चावल को नीचे नीचे के लेयर में हम मिक्स दे देंगे थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि अगर हम पहले से नीचे के लेयर को मिक्स कर देंगे तो हमें लास्ट में मिक्स करने में आसानी होगी नीचे से हिलाने के लिए। भीगा हुआ कॉटन का दुपट्टा मैंने ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ढक दिया है और इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे ताकि हवा बाहर से बाहर ना जाए और हम इसको दम के लिए छोड़ेंगे। जब तक हमारी बिरयानी दम हो रही है हम बनाएंगे रायता। बिरयानी के लिए रायता हमने अनियन को बारीक से चॉप कर लिया है, यहाँ पर कोरिएंडर और पुदीने को हमने बारीक से चॉप कर लिया है, कोथिमीर और पुदीने को, टमाटर को बारीक से चॉप कर लिया है, हमने सॉल्ट टू टेस्ट भी डाल दिया है, चिल्लीज को बारीक से चॉप कर लिया है, ये ऑप्शनल है आप चाहे तो डालें या ना डालें, और आप इसमें गाजर भी चॉप कर ग्रेट कर डाल सकते हैं, और कुकुम्बर कंकड़ी भी आप इसमें चॉप कर बारीक से डाल सकते हैं। और हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स दे देंगे सबसे पहले। ये देखिए हमने इसको मिक्स दे दिया है, अभी हम इसमें डालेंगे दही, हंकर्ड आप डालेंगे बहुत अच्छा बनेगा रायता। ये हमारा रायता बनकर तैयार है, हम इसको बिरयानी के साथ सर्व करेंगे। अभी हम ओपन कर देखेंगे, ये देखिए भाप आ रही है, इसका मतलब हमारी बिरयानी दम हो गई है। हम और थोड़ी देर इसको रखेंगे लेकिन इससे पहले इसको एक मिक्स देंगे। अच्छे से मिक्स दे दिया है, अभी हम फिर से इसको ढकेंगे और ये देखिए हमने ढक दिया है, 5 मिनट छोड़ के हम इसको सर्विंग करेंगे। हमारी बिरयानी तैयार है, हम इसकी सर्विंग करेंगे। ये देखिए गाइस हमने सर्विंग कर दी है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जरूर अपने घर में बनाएं, ट्राई करें और मेरे इस चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब so that you will get my next updates.